वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसमें शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट इन जावा। इनपुट इन जावा, ठीक है। तो इनपुट इन जावा का मतलब क्या है? तो हम जावा के प्रोग्राम्स में रन टाइम में जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस टाइम पे हम अगर यूजर से किसी नंबर में या किसी मेमोरी लोकेशन में इनपुट लेना चाहें तो उस चीज़ को हम कैसे लेंगे उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, मतलब क्या है? जैसे हम सपोज कोई मेमोरी हम अगर क्रिएट करें प्रोग्रामिंग में, तो हमने एक मेमोरी हमने कैसे क्रिएट किया, int n। अब इस n में हम दो तरीके से इनपुट करवा सकते हैं। एक जो कि डायरेक्ट प्रोग्राम में हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दें कि n इज इक्वल टू 5, तो अब इस n मेमोरी लोकेशन, जो ये n मेमोरी एक लोकेशन क्रिएट हुआ था, इसमें 5 स्टोर हो गया। दूसरा तरीका है कि रन टाइम में, एट ए रन टाइम हम यूजर से इनपुट मांगे, ठीक है, कि यूजर इस मेमोरी में क्या इनपुट करना चाहता है या कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहता है। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? दो हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है बफर्ड रीडर, और दूसरा है हमारे पास स्कैनर। तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये दोनों आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, बट हम यहाँ दोनों बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं बफर रीडर कैसे यूज होता है। तो बफर रीडर कैसे यूज करते हैं, तो बफर रीडर यूज करने का तो तरीका ये, बफर रीडर के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम के टॉप में एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा जिस पैकेज के अंदर ये बफर रीडर क्लास डिफाइंड है, और वो पैकेज कौन सा है, आईओ पैकेज। तो उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, तो अपने प्रोग्राम के टॉप में हमको लिखना होगा इंपोर्ट java.io.*, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या किया, इस जावा के अंदर आईओ जो पैकेज है इनपुट आउटपुट, उसके अंदर बने हुए सारे क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया, तो उसी के अंदर ये बफर रीडर क्लास भी इंपोर्ट हो गया। और बफर रीडर हमको एक मेथड, दो मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। एक मेथड हमको प्रोवाइड करता है रीड लाइन मेथड, और एक मेथड हमको ये प्रोवाइड करता है रीड मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रीड लाइन मेथड हमारा स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए, ठीक है, और रीड हमारा कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए रीड मेथड। यानी कि बफर रीडर के पास सिर्फ दो ही मेथड है, रीड लाइन और रीड मेथड। रीड लाइन मेथड स्ट्रिंग इनपुट और रीड कैरेक्टर इनपुट, यानी कि हम इसके मेथड का यूज करके इंटीजर या डबल या किसी अनदर डेटा टाइप के वैल्यू को इनपुट नहीं ले सकते हैं। बट हमारे पास जावा में फैसिलिटी दिया गया है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का, जिसका यूज करके हम इसके थ्रू लिए हुए इनपुट को इंटीजर, फ्लॉट और अनदर डेटा टाइप्स में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट और डबल डॉट पार्स डबल, है ना, फ्लॉट डॉट पार्स फ्लॉट, ये सब मेथड्स को हम यूज करके जो भी इनपुट लेंगे हम रीड लाइन के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे। अब बफर रीडर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पैकेज इंपोर्ट करना है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमको अपने क्लास के अंदर इस बफर रीडर ऑब्जेक्ट का, बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसको ऑब्जेक्ट को बनाने का जो रूल है वो देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास आपके इनपुट डिवाइस को एक्टिवेट करता है टू टेक अ इनपुट एट ए रन टाइम, और फिर उसके ऑब्जेक्ट को हम बफर रीडर क्लास में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में। तो वो क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट डिवाइस के साथ मैप करके और फिर इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लेने का काम करेगा। तो इसको हम बनाने का दो तरीका, पहला जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो पहला मेथड है वो हम एक एक करके बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो क्या, सबसे पहले हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम, अब ये केस सेंसिटिव है तो याद रखिएगा जो हम कैपिटल में लिख रहे हैं उसको कैपिटल में, जैसे इनपुट का आई कैपिटल, स्ट्रीम का आई एस कैपिटल, और स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल इनके बीच में स्पेस नहीं, इनपुट स्ट्रीम रीडर। देन इसका ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम आप दे दीजिए, इन इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू। अब इसके न्यू के बाद आपको क्या लिखना है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो न्यू इनपुट, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और यहां पर हमको पास करना होता है सिस्टम डॉट
इन, ये ऑब्जेक्ट ये जो हमारा हम पास करते हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, फिर सेमी कॉलन, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बफर्ड रीडर, इसमें भी स्पेस नहीं होगा, बी और आर कैपिटल होगा, स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम आप दे सकते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ बी आर दिया इज इक्वल टू न्यू बफर्ड बफर्ड रीडर, ठीक है बफर्ड रीडर, और इसमें हम ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे, तो ये हमारा बफर रीडर का ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके थ्रू हम ये दोनों मेथड एक्सेस करेंगे टू टेक अ इनपुट एट ए रन टाइम फ्रॉम यूजर। और इसका एक और दूसरा जो तरीका है बनाने का वो क्या है कि ये दो स्टेटमेंट अलग अलग ना लिख कर इसको हम एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कैसे हम वो लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बफर्ड बफर्ड रीडर, ठीक है बफर रीडर, लिखने के बाद आप यहाँ बफर रीडर का ऑब्जेक्ट कोई भी नाम सपोज हम बी आर दे दिए इज इक्वल टू न्यू, फिर हम लिखेंगे बफर्ड बफर्ड रीडर, ठीक है, फिर इसी लाइन में ब्रैकेट के अंदर हम इस इनपुट स्ट्रीम रीडर का वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू, यानी कि यहां से ये वाला लाइन यहां से यहां तक पूरा आपको एज इट इज लिख देना है, तो न्यू, फिर हम लिखेंगे इस न्यू के बाद स्पेस है, स्पेस देके आपको क्या लिखना है इनपुट, इसी लाइन में लिखना है, हम यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ चेंज करें न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसके ब्रैकेट में हमारा होता है सिस्टम डॉट इन और फिर ये क्लोज, तो इस तरह से भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बफर रीडर का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अब इसमें हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका यूज हम कैसे करेंगे टू टेक अ इनपुट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका सपोज ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है बफर रीडर पीआर, इसको यूज करना है, कैसे हम यूज करेंगे, तो सपोज हमने यहां एक मेमोरी बनाया इंट एन, और एक हम और मेमोरी बना लेते हैं डबल डबल डी, अब हमको इन दोनों में वन बाई वन इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू, हम पता है हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है बी आर डॉट, बी आर यहाँ पर क्या हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर ये वाला डॉट, उसके साथ हम आपको पता हुआ कि किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस करते हैं, तो बफर बी आर डॉट रीड लाइन मेथड को हमने यहाँ कॉल किया। अब यहाँ से इससे जो भी इनपुट होगा इस पूरे इनपुट डेटा को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा टू स्टोर इन n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स int, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में इस पूरे टर्म को लिखना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजर के सामने सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के इंटर इंटर एन इंटीजर वैल्यू, एन इंटीजर वैल्यू, ये आप पर है मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहिए तो करवाएंगे हम। इसी तरह अगर हमको डबल वैल्यू इनपुट करवाना है तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट और प्रिंट एलन यूज करते हैं, आपको पता होगा क्यों यूज करते हैं, तो इंटर इंटर ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या रियल नंबर है ना, और उसको हम कैसे इनपुट लेंगे, तो उसको इनपुट लेंगे हम डी में, लेकिन डी में हमको डबल में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे डबल डॉट पार्स डबल, डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ ब्रैकेट में वही सेम चीज बी आर डॉट रीड लाइन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इनपुट हो जाएगा बाय यूजिंग द बफर रीडर क्लास, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा ये चार ये इतना ये स्टेटमेंट, ठीक है, किसी क्लास के अंदर मेथड के अंदर बनाकर आपका ये रन होगा। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि ये पूरा टर्म सपोज आपका अगर आप void input नाम के मेथड के अंदर बनाए हैं void input
नाम के मेथड के अंदर बनाए हैं, ये पूरा टर्म अगर आपने लिखा है तो यहाँ पर आपको एक चीज लिखना होगा, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। देखिए ये आपका जो बफर रीडर क्लास होता है वो इम्प्लिसिटली मतलब अपने आप से किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करने के काबिल, मतलब एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या होता है कि इसमें कुछ एरर आ सकता है, तो अगर कोई एरर आता है इनपुट आउटपुट के टाइम में उस एरर को थ्रो करना होता है JVM के पास, ताकि उस एरर को वो हैंडल कर सके और उसके रेस्पेक्टिव में जो भी मैसेज है एरर से रिलेटेड मैसेज उसको आपको डिस्प्ले करके दिखा दे। ये कभी कभी ही आ सकता है, हमेशा नहीं आएगा, बगैर उसको हैंडल करना होता है। तो बफर रीडर सेल्फ इनेबल्ड नहीं होता, सेल्फ कैपेबल नहीं होता है कि वो उस एरर को उसको थ्रो कर सके, तो हमको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली थ्रो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ आईओ ई कैपिटल ई एक्स सी एक्सेप्शन, ये हमको लाइन यहाँ इनपुट के साथ लिखना होगा, ताकि ये इनपुट के समय कोई भी अगर एरर आता है तो उसको ये थ्रो कर सके JVM को, ताकि वो उसको हैंडल कर सके। तो ये था हमारा क्या था, बफर बाय यूजिंग बफर रीडर क्लास का यूज करके हम कैसे इनपुट लेंगे एट ए रन टाइम फ्रॉम द यूजर। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें और क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, स्कैनर क्लास के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टर्म था स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को कैसे यूज करते हैं, तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, वो पैकेज है java.util पैकेज, ठीक है। तो util पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है, आप इसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट java.util, util utility पैकेज का शॉर्ट नेम है, util.star, इसका मतलब आपने इस पैकेज के सभी क्लास को एक इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट java.util.scanner, इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर को क्लास को इंपोर्ट किया, जैसे यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जहां आपको इनपुट लेना है वहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, तो ऑब्जेक्ट आपको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कैसे आपको बनाना है, तो हम इसका यूज करेंगे, क्या है यहाँ पर स्कैनर, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम कोई भी एस ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहां पर हम ब्रैकेट में पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इजी है, हम आसानी से एक सिंगल लाइन में ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब स्कैनर क्लास के पास हमारे पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं टू टेक अ इनपुट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशंस, क्या है, बफर रीडर के पास सिर्फ दो ही मेथड था, रीड लाइन और रीड, लेकिन स्कैनर के पास देखिए ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के मेमोरी में इनपुट लेने के लिए। जैसे सपोज इंटीजर में इनपुट लेना है तो नेक्स्ट INT, फ्लॉट में लेना है तो नेक्स्ट फ्लॉट, डबल में लेना है तो नेक्स्ट डबल, बुलियन में लेना है तो नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट स्ट्रिंग मेमोरी इनपुट लेना है तो नेक्स्ट, कैरेक्टर लेना है तो इसी में ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज अगर हमको हम मेमोरी एक बनाए इंट n, इसमें हमको इनपुट लेना है तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम s डॉट, इसका कौन सा मेथड हम कॉल करेंगे इंटीजर के लिए, नेक्स्ट इंट, तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट INT मेथड। तो इसके थ्रू ये हमारा स्कैनर क्लास में इनपुट, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके n में इनपुट लेगा एट ए रन टाइम। आप यहाँ एक डिस्प्ले भी कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके इंटर नंबर, इसी तरह सपोज आपको हमको अगर डबल टाइप में कोई इनपुट लेना है तो हम यहाँ एक डबल मेमोरी बनाएंगे, डबल टाइप मेमोरी बनाएंगे d, इसमें इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, डबल में d कैपिटल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा है ना डबल मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे किसमें, मेमोरी लोकेशन में। अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है, जैसे सपोज हमको स्ट्रिंग, किसी ने कहा कि स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग एक हम बनाएंगे वेरिएबल s, कोई बना str बना देते हैं, str में इनपुट लेने हैं तो str इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे s डॉट क्या है नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड। और अगर कैरेक्टर में लेना है, कैरेक्टर के लिए ch है, इसमें हमको इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे ch इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट, और इसी के साथ डॉट लगा के लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी इसको यहाँ से यहाँ
थोड़ा सा इसको एक ही लाइन में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ch इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट। ये यहाँ तक का मेथड क्या कर रहा है, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, लेकिन स्ट्रिंग का सिंगल कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर हमको इसमें स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे कैर एट जीरो, यानी कि जीरोथ इंडेक्स का सिर्फ कैरेक्टर इसमें स्टोर करना है, यानी सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा, बाकी के कैरेक्टर्स स्टोर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, बाकी के डेटा टाइप्स में हम इनपुट लेंगे थ्रू द स्कैनर क्लास। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है सारा टर्म। सबसे पहले हमको इम्पोर्ट करना है, देन ऑब्जेक्ट बनाना है, और देन फिर हम फर्दर जिसमें डेटा टाइप में इनपुट लेना है उसमें हम इनपुट लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम को एक डिफाइन किया गया, तो प्रोग्राम में यहाँ स्कैनर क्लास का यूज किया है, आप देख सकते हैं स्कैनर क्लास का बनाकर ऑब्जेक्ट और इनपुट लिया गया। तो सबसे पहले इम्पोर्ट किया गया स्कैनर को, फिर क्या किया गया, इनपुट मेथड, इनपुट नाम का क्लास बनाया जिसमें एक सम ऑफ क्यूब्स का एक क्लास बनाया, अरे मेथड बनाया, और इस मेथड के अंदर क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आईएनपी, फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज करके इनपुट लेगा, तो एक एक करके डिस्प्ले करता जा रहा है, इंटर फर्स्ट नेम, फिर इंट नम वन एक मेमोरी बनाया उसमें नेक्स्ट इंट का यूज करके इनपुट लिया, देन इंटर सेकेंड नंबर, फिर नेक्स्ट इंट का यूज करके इसमें इनपुट लिया आईएनपी के थ्रू, फिर इंटर थर्ड नंबर आईएनपी के थ्रू इसमें भी इनपुट लिया, फिर कैलकुलेट करना था इनका क्यूब का सम, तो नम का क्यूब, तो यानी कि नम को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर टू का, नम टू का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस नम थ्री का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसको SUM नाम के एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है, पहले तीनों नंबर को प्रिंट कर रहा है और फिर उनके क्यूब्स को प्रिंट कर रहा है, तो ये प्रिंट एलन मेथड को यूज करके प्रिंट किया जा रहा है। तो ये था बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, अब इसी टर्म को हम बाय यूजिंग बफर रीडर भी हम बना सकते हैं, तो उसको मैंने बनाया हुआ है, देखिए आप ब्लूजे में यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये कि हमने बनाया हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, यहाँ आप देखिएगा हमने इंपोर्ट किया java.io.star, क्यों, क्योंकि बफर रीडर हमारा इसी में डिफाइन है। देन हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास क्यूब्स, क्यूब्स के अंदर 3 मेमोरी बनाया हमने, n1 n2 n3 और cu टू स्टोर द रिजल्ट। देन बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने वो सेकंड मेथड यूज किया है एक ही सिंगल लाइन में, बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, आप वो दो लाइन वाला भी कोड लिख सकते हैं। देन पहले इनपुट मेथड हमने बनाया टू टेक इनपुट इन 3 नंबर्स 3 वेरिएबल्स, तो हम यहाँ पर इसमें देखिए थ्रोज आईओ एक्सेप्शन हमने लिखा है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए JVM के पास थ्रो करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर 3 नंबर्स, वन बाय वन हमने तीनों में इनपुट लिया, पार्स इंट का यूज करके कन्वर्ट किया, br रीड लाइन का यूज करके इनपुट लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़े, तो आगे देखते हैं हमने क्या बनाया, कैलसी नाम का एक मेथड बनाया जिसका नाम काम होगा कैलकुलेट करना, तो इसमें हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं किया बल्कि math.pow फंक्शन यूज करके कैलकुलेट किया, तो math.pow n1, 3 यानी n1 का क्यूब प्लस math.pow n2 का क्यूब math.pow n3 का क्यूब। अब चूंकि math डॉट पीओडब्ल्यू आपको डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है और हमको इसको स्टोर करना है सीयू विच इज अ इंटीजर टाइप मेमोरी लोकेशन, सो हम इसको क्या करेंगे एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे टर्म के पहले हम इंटीजर लगा देंगे, INT लगा देंगे डेटा टाइप, तो ये पूरा टर्म जो भी रिटर्न करेगा डबल में वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ स्टोर होगा, अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो मिसमैच एरर आएगा। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसमें हमने रिजल्ट को डिस्प्ले किया है सिर्फ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स CU जो इसमें स्टोर होगा उसको, अब हम इसको एक एक करके रन करेंगे, सबसे पहले इसको कंपाइल करके देख लेंगे, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए इसको अगर हम मिनिमाइज कर दें, तो मिनिमाइज करके यहाँ पर हमारे पास ये रहा, यहाँ ये हमारा क्यूब्स है, इसको हमको रन करवाना है, क्यूब्स नाम का ही क्लास था, तो क्यूब्स को हमको रन करवाने के लिए इस पर हमको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो न्यू क्यूब्स पर क्लिक करेंगे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पूछ रहा है कि क्या देना चाहते हैं, बाई डिफॉल्ट क्यूब्स 1 दिया हुआ, आप यहाँ पर चेंज करके कोई और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ OB लिख दिया और ओके किया, तो यहाँ OB नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा नीचे में, देखिए अब हमको एक वन बाई वन इस पर राइट क्लिक करके हमको एक एक करके वो मेथड को कॉल करना है जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले इनपुट मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ इनपुट मांग रहा है, हम इनपुट की एक यहाँ पर 3, ठीक है, फिर इंटर 4, फिर इंटर, फिर 5 या 5,
ठीक है, इनपुट हो गया, इनपुट करने के बाद इसको हम क्लोज किए, देन अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है, राइट क्लिक करके कैलसी को कॉल किए, कैलसी अपना रन करके खत्म कर लिया, अपना कैलकुलेट किया, कोई डिस्प्ले नहीं, और फिर डिस्प को कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + 5 का क्यूब इज 216। आप करके देख सकते हैं 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 90 3 3 9, आप देख लीजिए 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा, 50 25 125 हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 216 आएगा और वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड कॉल करके, मतलब बफर रीडर का यूज करके क्या करना, इनपुट लेना। तो ये था हमारा इनपुट फ्रॉम यूजर एट ए रन टाइम बाय यूजिंग आइदर स्कैनर और आइदर बफर रीडर क्लास। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको जूम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में आपका क्या कर रहा है, हाँ, एक्सप्रेशंस के बारे में यहाँ पर गिवन है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस अलग अलग तरह के, कहने का मतलब कि हम किस किस तरह के इनपुट, मतलब एक्सप्रेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस जो लिखते हैं वो किस किस तरह के इक्वेशंस या स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन डिविजन, इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स को यूज करें, जैसे अभी हमने यूज किया था math.pow मेथड जिसका काम था पावर करना, पहले नंबर को दूसरे वैल्यू के क्या पावर कर देना, जैसे अगर n1, n2 देते हैं तो n1 का पावर n2, 3, 5 देते हैं यानी 3 का पावर 5। ठीक है, एज सेम एज यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स हैं जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये सब साइन थीटा कॉस थीटा जो मैथ में पढ़ते हैं ए साइन। ठीक है, हमको इसमें से ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एबीएस यूज करते हैं, राउंड इंटीजर है, मीन मैक्स है, मीन मैक्स दो वैल्यू में मैक्सिमम और दो वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना math.max 13, 17, तो ये रिटर्न करेगा 17, यही लिखा 11, 13, 17 मीन मेथड के अंदर, तो यहाँ रिटर्न होगा 13, तो दो वैल्यू में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न करवाने के लिए मैक्स और मीन है। एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि हमेशा पॉजिटिव, जैसे हम -17.9 दिया तो उसका रिटर्न वैल्यू 17.9 आएगा, अगर हमने यहां देता 5 तो 5 ही आ जाता, 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन -5 होगा तो वो भी 5 आएगा क्योंकि उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। या राउंड वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे यहां 17.99 तो इसका राउंडेड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो राउंडेड वैल्यू हो जाएगा इसमें से ट्रंकेट कर देगा सिर्फ, ऐसा नहीं कि अपर या लोअर में जाएगा, इसको उससे मतलब नहीं, बस इसके में पॉइंट क्या है, जो भी वैल्यू उसको हटा देना और बाकी जो इंटीजर है वो आपको रिटर्न कर देगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 17। ठीक है, अब ये सील और फ्लोर दो अलग फंक्शंस है जो आपके रियल वैल्यू को सीलिंग और फ्लोर में ट्रांसफर करें, 17.3 को अगर सीलिंग के साथ हमने ट्रांसफर किया सीलिंग मेथड में, सील मेथड में, तो ये हमको 18 देगा, और यही अगर 17.3 को हम फ्लोर मेथड में पास करें तो ये हमको रिजल्ट में 17 देगा, यानी कि ये अपर इंटीजर में ट्रांसफर करेगा और ये लोअर इंटीजर वैल्यू में ट्रांसफर करेगा। SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसी तरह CBRT है क्यूब रूट निकालने के लिए, CBRT के बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ है, CBRT भी मेथड है एक math.CBRT टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, देन लॉग देन एक्सपोनेंशियल पावर POW अभी हमने यूज किया, फिर वही साइन कॉस टेन, ये सब है, तो ये सब है। अब ये सारे जो मेथड्स हैं सभी मैथ क्लास के साथ डायरेक्ट यूज हो रहे हैं, और डायरेक्ट इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सारे इंस्टांस वेरिएबल यानी इंस्टांस ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इनको मैथ क्लास के ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, मतलब इनको हमको कॉल करने के लिए मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट क्लास के साथ इसको डॉट लगाकर हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो मेथड्स हैं वो डायरेक्ट मैथ क्लास के स्टैटिक मेथड्स हैं, मेंबर ऑफ द क्लास हैं, है ना, डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू द क्लासेज हैं बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड्स, इनको जहां डिफाइन किया गया मैथ क्लास में उनको स्टैटिक के थ्रू डिफाइन किया गया होगा, और जो भी टर्म स्टैटिक के थ्रू डिफाइन होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन से एक लिखा हो, जैसे -b b² 4ac 2a, तो इसको लिखा कैसे गया है, हमको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -b प्लस, इसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो हमको लिखना होगा math.square root में b का पावर, यहाँ पर आप math.pow भी यूज कर सकते थे लेकिन, है ना, या फिर आप डायरेक्ट b (b - 4a - c). अब इस पूरे टर्म को ब्रैकेट के अंदर किया गया और पूरे टर्म को डिवाइड बाय 2 * a करना है, इसको ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो पता चलेगा 2 से डिवाइड हुआ फिर * a हुआ, तो इसको ब्रैकेट में रखना है ताकि ये कैलकुलेट होने के बाद ही डिवाइड करे और ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद ही उसमें डिवाइड हो। ठीक है, आप लोग हम लोगों
लोगों ने अभी पीछे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा है, तो उसका हमको यूज यहाँ करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल सिंपल लिख दिए, सारे ब्रैकेट हटा दिए तो पता चले कुछ अनदर ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो पहले कैलकुलेट होना चाहिए वो पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले डिवाइड हो जा रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये था हमको एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। देन है रिलेशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें हमको आ रहा रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, वैसे एक्सप्रेशंस को हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, जैसे एंड यूज हुआ है इसको लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ज्यादातर रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे कंडीशन टेस्टिंग में यूज होते हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कंडीशन टेस्टिंग जब होगा तभी ये सारे ऑपरेटर, ये सारे स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस अवेलेबल होंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं, जिसका रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में आए, तो ये रिलेशनल और लॉजिकल दोनों बोथ हो सकता है और दोनों का रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में ही आता है। तो वैसे स्टेटमेंट्स जिनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आ रहा है उनको बूलियन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम इसको जूम करते हैं, क्या है हमारे पास, हाँ, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ और स्विच, इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन। तो ऐसा करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स को बनाएंगे। ठीक।